मोदी जी ने नोट बंद करे, एक आदमी दुखी मेरे से बोला यार मोदी जी ने नाश कर दिया देश का, अब आप खुश हो ना, देखो अब ताली नहीं बजाएंगे ना बस पाठक जी, मेरा फिर हौसला टूट जाएगा। मैं बहुत कम बहुत बहुत मैं भावुक बन का व्यक्ति हूँ, ऐसे मत करना बिल्कुल भी। ये बैठे हैं ना, इनको कुछ नहीं बाबूजी, मोदी जी का हर 15 दिन बाद जब भी देश पे कोई समस्या पड़ती है बंदर भी पूरी पूछ का नहीं आया। अब सुन लो बाबूजी, कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात। बंदा बोला मेरे से, बोला यार ऐसी तैसी हो गई नोट बंद हो गए, आज देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हुई पहली, किसकी वजह से? बाबूजी मेरी वजह से योगेंद्र जी। क्यों? मोदी जी का जब भी कोई देश पे संकट आता है उनका मेरे पर टेलीफोन आ जाता है, अनिल भाई क्या करना है, और मैं कभी मना नहीं करी आज तक उनको जिंदगी में, जब भी उनका फोन आया मैंने हमेशा अटेंड करा है। अभी पीछे अपनी वो दिखा रहे थे, मैं गुजरात का, सरदार पटेल भाई गुजरात के, अंबानी गुजरात के, अमित शाह गुजरात के, मेरे को गुस्सा आ गया। मैं बोला आसाराम बापू कौन सा बयानी का है। उसके बाद वो फिर वो कह रहे, नहीं अनिल भाई ऐसी बात नहीं, मैं वैसे जिक्र कर रहा हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक मेरी वजह से, दूसरी वाली मेरी वजह से, धारा 370 मेरी वजह से, राम मंदिर मेरी वजह से, नोटबंदी इसकी वजह से। तब बता रहा हूँ, एक आदमी दुखी बोला नोटबंदी हो गई, मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोला एक बार मोदी जी मिल जाए तो कहना चाहूंगा। मैंने कहा क्या कहेगा? सुनिएगा साहब, कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे, और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूट में ही सारी जीभ को जला दोगे। जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए जियो। क्या बात है, ताली बजाएंगे, क्या बात है। जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दो। और अब तालियां उठाना साहब, कि बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे और आपने लुगाई छोड़ी, देश का कसूर क्या है लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे। क्या बात है साहब, क्या बात है। पाठक जी का तो सफल हो गया कवि सम्मेलन। अब ये 15 दिन तक जिस जोश में रहेंगे कि अनिल भाई आया था, मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई साहब। लेकिन आगे भी सुन लो, अभी खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी राहुल भाई की बात करनी है मेरे को। हमारे विनोद भाई का कोई मुकाबला नहीं, इतना सहज व्यक्ति मैंने नहीं देखा। मैं आया, बोले अनिल भाई क्या लेगा? मैंने कहा कॉफी पी लेते हैं। दोनों कॉफी पीने लगे, इनकी कॉफी में मक्खी। मैं बोला भाई साहब आपकी कॉफी में मक्खी पड़ी है। बोला पड़ी रहने दे साली, कितना पी लेगी। सारी कॉफी खींच गए भाई साहब, एक बूंद नहीं छोड़ी। इतना मस्त आदमी मिलते नहीं है जल्दी से। और हमारे दोनों बाबूजी ऐसे बैठे हैं जैसे लाल किशन अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी बैठे। कोई पूछ नहीं, कोई ताच नहीं, दोनों न्यारे बिठा रखे हैं बाबूजी बिल्कुल। बहुत मादी आदर मान सम्मान आपका, आपका कोई मुकाबला नहीं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट लेकिन मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये होता रहता भाई साहब, ये गुटबंदी होती है। हमारे कलाम साहब थे, कितने बड़े नेता थे, देश के लिए क्या करा। हमारे मोदी जी थे, थोड़ा यार सीधा बैठ जा, नहीं उस टाइम की बता रहा हूँ मैं। हाँ ऐसे पता कौन सुनते हैं, पहले राजे होते थे मुगले आजम, वो लेट के सुनते थे, बोले नाचो नारकली, तो ऐसे लेट जाते थे वो। तो मैं बता रहा हूँ भाई साहब, कलाम जी की, जब अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, पोखरण विस्फोट हुआ, कलाम जी ने वो काम किया हमारे देश के लिए, उनको कोटि नमन है। अटल बिहारी जी को कोटि कोटि नमन है, वो हमारे देश के बड़े नेता थे। अटल बिहारी ने रात को फ़ोन करा कलाम जी को, कलाम जी सारी तैयारियां हो गई है? कलाम जी बोले हाँ बिल्कुल तैयारी हो गई है, रात को हम पोखरण विस्फोट कर देंगे और सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि हमने भी एक परीक्षण कर लिया है। बोले किसी, लेकिन वो बोले सब बात गुप्त रहनी चाहिए। कलाम जी बोले अटल जी से, कोई ये लीक नहीं होनी चाहिए। अटल जी बोले लीक कहाँ सी होगी, ना तेरा ब्याह होया ना मेरा ब्याह होया। ये मस्ती की बात होती थी उस टाइम, मस्ती की बात निकलती थी। अब सुनो साहब, उसके बाद हमारे सैनिक मारे गए, पाकिस्तान बौखला गया, पाकिस्तान ने कहा कि गलती मान लो। उन्होंने मोदी जी से कहा, मोदी जी हमारी गलती हो गई,
मोदी जी बोले कोई गलती वलती नहीं, तुम मक्कार आदमी हो, बोले हमें माफ कर दो, हम कभी दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। बोले ठीक है, तो आपने माफ कर दिया। मोदी जी बोले नहीं, माफ जब करूंगा। बोले कब? अगर आपको यकीन आ जाए तो तालियों से बताना कि आपके मंच पर कौन खड़ा है। मोदी जी बोले माफ एक ही शर्त पे करूंगा। बोले क्या? बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा। मजाक मत उड़ाओ पाठक जी, आप भी असरे हो ऐसे लोगों की नजर में। मेरे पास टेलीफोन आया मोदी जी का, अनिल भाई दोनों देशों में प्यार जोड़ना, जोड़ लूं? मैंने कहा हाँ जोड़ लो। बोले कोई नुकसान? मैंने कहा नहीं, फायदा ही होगा। बोले क्या? मैंने कहा देश को फायदा होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। बोले कैसे? मैंने कहा उनको चार पंक्ति सुना देना। अब इन पंक्तियों पर आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, बाकी पब्लिक बहुत ताली बजाएगी, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन आप बजाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सारे लोग तैयार रहना, पाठक जी के स्वागत में ताली बजानी है हमारे को। मैंने उनको चार पंक्ति दी मोदी जी को। मैंने कहा मोदी जी चार पंक्ति सुना देना पाकिस्तान को, और दोनों देशों में प्यार जोड़ लो, लड़ाई में कुछ नहीं रखा। बोले तेरे पास क्या इलाज है? मैंने कहा मेरे पास बहुत बढ़िया इलाज है, प्यार भी बढ़ेगा और एकता भी बढ़ेगी। बोले तेरे पास कैसा इलाज है? मैंने कहा मैं सुनाता हूँ, सुनिए चार पंक्ति कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है, तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। क्या बात है, ये अच्छी बात है। राहुल का ब्याह में सारे राजी है, बाकी से डाल हो गया। क्या बात है सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर, बाजी। अब टेंशन का क्या है? टेंशन किसी बात की ले लो, एक बैठा टेंशन में। अरे मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला अनिल भाई एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। अरे मैंने कहा तो तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? तालियां बजा दो एक बार जोरदार मेरा मन खुश करने के लिए साहब। अब एक अंतिम कविता सुनाता हूँ और अपने मन की सुनाता हूँ, आप लोगों की भी नहीं और आप लोगों की भी नहीं, एक अपने मन की कविता। मेरा मन है ये हंसाना, तो आपके मन का काम था, मैं अपने मन की कविता। 42 सैनिक हमारे पुलवामा में मार दिए साहब, 6 पंक्तियों की कविता आपने आदेश करा, छोटी कविता, तो 6 पंक्तियों की कविता सुनाता हूँ और मुझे लगता कि आपको मन से अच्छी लगेगी। कि 42 सैनिक पुलवामा में हमारे मार दिए, शहीद हो गए, और कितनी बेदर्दी से हमारे साहब टुकड़े टुकड़े हो गए उन लोगों के, और उनकी जब उनके शव घर पर ला गए तो शव पूरे नहीं थे उनके। तो मैं रात को परेशान हो गया पाठक जी कि ये जो शव आए हैं घर पे, ये सब जितने लाए हैं इसमें सारा देश परेशान है, आखिर कौन इतना दुखी होगा? तो नजर आया कि तिरंगा सबसे ज्यादा परेशान होगा। कौन परेशान होगा सबसे ज्यादा? एक बार पीछे जो शोर मचाया, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि ये कविता तो बिल्कुल ही मन की सुनने वाली है साहब। तिरंगा सबसे ज्यादा, पहली बार पाठक जी आपने इतने कवि सुने मेरे भाई, इतना बढ़िया संचालन, मैंने शायद बिना कवि के इतना सुंदर संचालन आज तक जो राम भाई ने करा, जबरदस्त जोरदार तालियां बजाएंगे तमाम लोग। हमारे विनोद भाई ने इतना अच्छा कविता पाठ किया है, मुझे पता नहीं था कि आज मेरा सौभाग्य ऐसा कि कोरोना काल में जब पूरा देश के कवि नहीं कविता पाठ कर रहे तो मैं माँ की गोद में आकर कविता पाठ करूंगा। ये पाठक जी आप लोगों का धन्यवाद मैं हाथ जोड़ के करता हूँ। तो मैं पुलवामा की बात बता रहा था साहब, सारी रात परेशान रहा मैं। अगले दिन जी न्यूज़ पर मेरा कार्यक्रम था, हास्य का कार्यक्रम था, डायरेक्टर साहब का फोन आया, अनिल भाई पूरा कार्यक्रम बदल गया, 42 सैनिक पुलवामा में मार दिए गए हैं, आपको कल जो संचालन करना है जीटीवी पर वो करना है वीर रस के लिए, और वो करना है हमारे वीरों के लिए। अब वीर रस मेरे को कुछ ऐसा नहीं है लेकिन संवेदना का कवि हूँ। रात को मन में आया सबसे ज़्यादा परेशान कौन होगा, तो मन में आया कि सबसे ज़्यादा दुखी तिरंगा होगा, क्योंकि वो शव में लिपट लिपट कर जाएगा, और जब घर पर लोगों को देखेगा उनके तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। तो तिरंगा अपनी बात किससे कहेगा? तिरंगा अपनी बात कहेगा माँ भारती के चरणों में, क्योंकि इतना महान कोई है ही नहीं जो तिरंगे से महान हो। वो किससे कहेगा? तो कहेगा माँ भारती के चरणों में जाके। तो सुनिएगा साहब, 6 पंक्ति की कविता है, एक एक व्यक्ति का ध्यान चाहूँगा। जितनी तालियाँ आपने अभी तक बजाई हैं मेरे कविता पाठ पे, मैं चाहता हूं उससे ज्यादा इस पवित्र मंच पर उन शहीदों के चरणों में बजे। सुनिएगा साहब, के भारत माता के चरणों में कह के मन की बात तिरंगा, रोया सारी रात तिरंगा, रोया सारी रात तिरंगा, रोया सारी रात तिरंगा, रोया सारी रात। क्यों रोया? माता भारती के चरणों में, कि माँ मैं इतना क्यों रो रहा हूँ?
कि जब मैं कल शव में लिपट कर जाऊंगा तो शव तो है ही नहीं, टुकड़े हैं, तो मैं जब उनको घर वालों को देखूंगा तो मेरे दिल पर क्या गुजरेगी कि पत्थर सी मूरत सी बनकर, पत्थर की मूरत सी बनकर मैया जब नहीं बोलेगी, पत्थर की मूरत सी बनकर मैया जब नहीं बोलेगी, मेहंदी जिसकी सूख न पाई वो घूंघट में ही रो लेगी, नन्नी आंखें जब पापा को चारों ओर टटोलेगी, नन्नी आंखें जब पापा को चारों ओर टटोलेगी तो कैसे काबू में रख पाऊंगा अपने जज्बात तिरंगा, रोया सारी रात तिरंगा, रोया सारी रात तिरंगा, रोया सारी रात तिरंगा, रोया सारी रात। और अंतिम तीन पंक्तियां साहब, 15-16 पंक्तियां हैं लेकिन अंतिम तीन पंक्ति पढ़कर अपना स्थान लेता हूं साहब, और इस पवित्र मंच पर उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि देते हैं जो हमारे देश के लिए आज हम जो आयोजन करते हैं सब सीमा पर खड़े रहते हैं, 37 डिग्री माइनस तापमान पर हम उनको याद नहीं करते, सरकारें घोषणा कर देती हैं लेकिन विधवाएं पेंशन के लिए चक्कर लगाती रहती हैं। तो तिरंगे ने कहा, भारत माता मैं बहुत शवों में लिपट कर आ चुका हूं, अब मेरे बस की नहीं है ये काम। तो तिरंगे की आरजू सुनिएगा अंतिम तीन पंक्तियों पर, और मुझे लगता है भरपूर तालियां देकर उन शहीदों के चरणों में विदा करना आज का सुपर हिट कवि सम्मेलन, मैं बधाई देता हूं पूरे आयोजन को। क्या कहता है तिरंगा, लिपट लिपट कर अब लाशों पर रोज नहीं मुझे आना है, लिपट लिपट कर अब लाशों पर रोज नहीं मुझे आना है, गाड़ दो दुश्मन की छाती पर सीमा पर लहराना है, गाड़ दो दुश्मन की छाती पर सीमा पर लहराना है, जाके उनकी संसद में अब वंदे मातरम गाना है, जाके उनकी संसद में अब वंदे मातरम गाना है, के बहुत सह लिया अब नहीं सहेंगे, बहुत हो गया मोदी जी अब दिखला दो कात तिरंगा, रोया सारी रात तिरंगा, रोया सारी रात तिरंगा, रोया सारी रात तिरंगा, रोया सारी रात, भारत माता के चरणों में कह के मन की बात तिरंगा। धन्यवाद, नमस्कार।